दोस्तों नमस्कार। अक्सर हमारे समाज में या आप लोग भी एक दूसरे से बातचीत करते समय जरूर पूछते हैं और बातचीत चलती है, इससे टॉपिक से लेकर भ्रांतियां बहुत ज्यादा है कि सील क्या होता है। सील की बात करें, अक्सर लोग बोलते हैं कि सील टूटा या नहीं टूटा, सील क्या होता है। इस सील के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर वो सील है क्या चीज, और वो सील जो है कैसे टूटता है, टूटने के बाद आपको कैसा फीलिंग्स होता है। ठीक है, ये सील जो होता है महिलाओं में होता है, ठीक है, उसको आम तौर पे हम लोग भाषा में सील बोलते हैं, जो अक्सर रिलेशनशिप के टाइम ही वो ब्रेक होता है यानी टूटता है। ठीक है, और टूटने के बाद हल्का ब्लड भी बाहर आता है। ठीक है, अक्सर पुराने जमाने समय में लोग जो है जब मैरिज होता था यानी शादी हो जाती थी, और फर्स्ट डे के यानी फर्स्ट नाइट कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट नाइट के बाद लोग बेड चेक करते थे कि बिस्तर पे कहीं रक्त गिरा है कि नहीं, यानी बिस्तर में कहीं रक्त लगा है कि नहीं। अगर रक्त नहीं लगा होता तो लोगों का कहना है कि मुल्क पहले ही आज़ाद हो गया है, यानी हमारे कहने के तात्पर्य आप समझ रहे हैं। ठीक है, कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं, तो आखिर ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम कोशिश करते हैं छोटे से छोटे वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी समझा दें। ठीक है, कि आखिर वो सील होता क्या है और वो तोड़ने में क्या आनंद मिलता है, वो कैसे टूट सकता है, क्या रिलेशनशिप के वजह से ही टूट सकता है या उसके टूटने का कोई अन्य कारण भी है। यानी इन सभी प्रकार के आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आज वो डाउट हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है और पुरुष जो है इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि जब वो ब्लड दिखाई देता है तो समझते हैं कि नहीं ये जो है काफी मतलब कि प्योर है, शुद्ध है, कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए, हमारे समझाने का मुख्य मकसद यही रहता है कि आपको इस लैंग्वेज में समझाएं ताकि आप अच्छी तरह से बेहतर तरीका से समझ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी भाषा को चेंज कर दें तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सील का अर्थ क्या होता है, सील टूटना। तो समझते हैं एक फिगर के द्वारा। इस चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये चित्र क्या है और क्या दर्शाना चाहता है। यहाँ पे एक छोटा सा होल टाइप का जालीदार झिल्ली होता है, जिस झिल्ली को बोलते हैं हाइमेन, एक पतली झिल्ली होती है। जब कोई बच्चा या कोई लड़की जो है 12 वर्ष से अधिक होती है, यानी 12 ईयर से अधिक होती है, तो इनमें जो है एक मेंसुरेशन साइकिल शुरू होता है, पीरियड्स आने शुरू होते हैं। ठीक है, पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद जो है इसमें थोड़ा थोड़ा रिसाव होकर के रक्त जो है आना शुरू हो जाता है। ठीक है, रक्त आना शुरू हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जो लड़की यानी जो महिला जिसका उम्र 12 से अधिक है, वो लगभग साइकिल चलाना जानती होगी, खेलना कूदना जानती होगी वो लड़की। ठीक है, और खेलना कूदना जानती हो, उससे खेलने कूदने में बॉडी की एक एक्टिविटी, एक एक्सरसाइज होता है। ठीक है, इस वजह से भी ये जो है सील, जिसको बोलते हैं हाइमेन झिल्ली होता है, एक प्रकार से इसको झिल्ली कह सकते हैं, ये झिल्ली जो है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक हो जाने के बाद एट ए टाइम रिलेशनशिप के समय किसी भी प्रकार का ब्लड बाहर नहीं निकलता है। तो लोगों का मानना यह है कि मुल्क जो है पहले से आजाद हो चुका है, यह गलत सोच है, ये भ्रम। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप रिलेशनशिप के समय ब्लड नहीं आता है तो आप ये समझिएगा कि नहीं इसमें किसी प्रकार का खोट है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, हाँ मे भी किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि
जब वो रिलेशनशिप बनाने जाते हैं, यानी जब अपना जो है पार्ट इसके अंदर की तरफ डालते हैं, तो उस समय ब्लड आता है। अब ब्लड आता है तो उनको काफी बेहद खुशी होती है, बेहद खुशी होती है कि हमें जो मिला वो एकदम प्योर मिला, शुद्ध मिला, ठीक है। लेकिन देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो कोशिश करना चाहिए सेफ रखें, ठीक है, सेफ रखें, क्योंकि आपका एक निश्चित समय आएगा जिस समय आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ की इजाजत होगी और आप बेहतरीन ढंग से दिल खोल करके पूरे आजादी के साथ आनंद लीजिएगा। तो पहले इसका उपयोग करने की जरूरत क्या है? लेकिन क्या है ना कि कुछ खान पान की बात करें तो कुछ खान पान में हमारे इस प्रकार की ऊर्जा है जो भोजन करने के बाद बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है, लगभग हमारे युवा दोस्त युवा भाइयों से और तलाशते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, जहां मिले वहीं पे अपना गेम बजा डालते, ठीक है। देखिए, हमारा काम है जो है आपके मन में जो भी भ्रांतियां चल रही है उनको दूर करना और आपको सही और सटीक जानकारी देना। तो दोस्तों, ये झिल्ली जो है किसी किसी में खेलते वक्त, साइकिल चलाते वक्त या किसी भी प्रकार के एक्टिविटी, कोई हेवी वर्क करते वक्त भी यह टूट जाता है, जो रिलेशनशिप बनाते समय ब्लड जो है ब्लड वो नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसको गलत दिमाग में नहीं लेंगे कि यह मुल्क आजाद पहले से हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं। किसी में ब्लड आता है यानी ये झिल्ली जो है नहीं ब्रेक किया रहता है, तो यह हल्का से जब चोट पड़ता है, ठीक है, तो चोट पड़ने के बाद यह हल्का सा क्रैक हो जाता है, तभी तो काफी अंदर की तरफ प्रवेश करता है, तो क्रैक हो जाता है जिसके कारण ब्लड बाहर आते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों केसेस बता दिए, ये झिल्ली टूटने के बाद वाले भी और उससे पहले वाले भी। इन दोनों केस में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहनी चाहिए कि मुल्क जो है आजाद हुआ है या गुलाम है, जो भी है, ये झिल्ली है, एक विशेष करके नॉर्मल झिल्ली है, बाकी जो है नॉर्मली है। अक्सर जो है रिलेशनशिप के समय क्रैक होगा यानी फटेगा, तो हल्का सा यहां पर फटेगा या यहां पे तो नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे ओठ के समान नरम चमड़े होते हैं जिसको बोलते हैं लिबोरा मेजोरा, ठीक है, हर जगह अलग अलग इसकी लैंग्वेज है, जो एक प्रकार से इसका वर्क क्या है, फीलिंग्स को जगाना। जब आप यहां के इस वाले भाग को टच करेंगे तो एक प्रकार से फीलिंग्स क्रिएट होता है अंदर की, और बाकी जो पार्ट्स हैं उन सब के बारे में आप जानते ही हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि यहां पे सील तोड़ने का अर्थ क्या होता है। ये एक नॉर्मली झिल्ली है, ठीक है, अब आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होनी चाहिए। और देखिए, अभी लाइट भी कट गया, इसके कारण जो है थोड़ा सा वीडियो डार्क हो जाएगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक पे आगे आपको नेक्स्ट कोई वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए और बताइए, हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सील को लेकर के बहुत सारे मन में भ्रांतियां हैं, तो भ्रांतियां को दूर होनी चाहिए, मन में जितने सस्पिशन जितने डाउट हैं इन सारे डाउट को दूर होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हम आपकी डाउट को क्लियर करेंगे। दूसरा चीज, किसी भी प्रकार की अभद्र कमेंट न करें, क्योंकि यहाँ पे कोई अभद्रशीलता नहीं चलाया जा रहा है, हम आपके नॉलेज के पर्पज से हम आपको सही नॉलेज और सटीक जानकारी देते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। मेरा मुख्य काम यही है कि आपको सही राह पर ले चलना और आपके स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां जो है समय समय पर प्रदान करना, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।